26 मई 2024 ये वही दिन है जिसके लिए तुम पिछले 2 साल से या फिर 1 साल से मेहनत कर रहे हो। टोटल 14-15 लाख कैंडिडेट्स में से अब 2-2.5 लाख वो कैंडिडेट्स बचे हैं जिन्होंने जेई मेंस और बोर्ड्स दोनों को पार करके जेई एडवांस के लिए खुद को एलिजिबल बनाया है। एंड तुम सभी उन 2-2.5 लाख लोगों में से ही आते हो। पढ़ाई करके तुमने अपने आप को यहाँ तक तो पहुँचा दिया, बट आगे का रास्ता बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है। जेई मेंस तो फिर भी आसान था, बट जेई एडवांस इतना आसान नहीं होता है। मुश्किल शब्दों में अगर मैं तुम्हें ये बताऊँ तो तुम सेकेंड मोस्ट टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड से भिड़ने वाले हो, एंड तुम्हारे प्रिपरेशन भी उस लेवल की होनी चाहिए। अभी से अगले 30-40 दिनों में बहुत सारी चीजें उलट पुलट हो जाती हैं। यहाँ का बंदा यहाँ और वहाँ का बंदा यहाँ आ सकता है, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे तुम मेरा एग्जांपल ले सकते हो, 2020 में जब मैंने पहली बार अपनी जे एडवांस की एग्जाम दी थी, मेरे जेएमएस में 99% आने के बावजूद जे एडवांस में 20,000 रैंक हो गई थी, क्योंकि मैंने लास्ट के कुछ दिनों में बढ़िया से प्रिपरेशन नहीं करा था। वहीं पे एक बंदा था जिसकी 95% आई थी, वो जे एडवांस क्रैक करके IIT गुवाहाटी में एडमिशन ले लेता है। वो बात अलग है कि 2021 में मैं वापस IIT कानपुर में आ जाता हूँ। खैर, मेरा नाम है प्रांशु रंजन, मैं IIT कानपुर में बीटेक का 30 ईयर स्टूडेंट हूं। इस वीडियो में बात करने वाले लास्ट 30 ईयर स्ट्रेटजी फॉर जेई एडवांस 2024। लास्ट 30 ईयर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तुम सोच रहे हो 40-45 दिन बाकी है, बट एक्चुअली जो तुम मेहनत करने वाला हो ना वो 30 दिन के हिसाब से डिजाइंड है, ठीक है? 30 दिन के लिए ही बनी है, और सुनने में भी अच्छा लगता है ना, लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी, लास्ट 1 महीने बाकी है। खैर, ये स्ट्रेटजी वाला वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो तुम पेशेंट रहना। मैं ट्राई करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दे पाऊँ, क्योंकि मेरे को बाद में वीडियोस नहीं बनाने पड़े। लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी, लास्ट 20 डेज स्ट्रेटजी, तुम्हें भी पता है लास्ट 10 दिन में कुछ नहीं होना, बट फिर भी तुम लोगों में से बहुत लोग वो होंगे जो कि सर्च करेंगे लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी, लास्ट 20 डेज स्ट्रेटजी। तो हमारा जो पहला पॉइंट होने वाला है वो होने वाला रिवीजन। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता रिवीजन करना कैसे है। मैं तुम्हें एक पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा। तुम ये सोचो कि अगर तुम्हें सारे के सारे चैप्टर्स करने हैं 30 दिनों में, क्या तुम कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। तुम सारे के सारे जे प्रिपरेशन 30 दिन में नहीं कर सकते, 40 दिन में नहीं कर सकते, तो तुम्हें थोड़ा स्मार्टली रिवाइज करना पड़ता। तुम बोलोगे कि भैया 30 दिन 40 दिन तो बहुत होते हैं, मैं तो सारा ही पढ़ लूंगा। मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर एक चैप्टर पढ़ने में तुम 2 दिन लगाते हो तो तुम बेसिकली एक सब्जेक्ट भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, भले वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। कोई सा भी एक सब्जेक्ट तुम्हारा 1 महीने में भी नहीं हो पाएगा, मैं सही बता रहा हूँ। तो तुम्हें थोड़ा स्मार्ट रिविजन करना पड़ता है। स्मार्ट रिविजन का मतलब ये होता है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ही करना, जिन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का वेटेज जे एडवांस में बहुत ज्यादा है। बेसिकली कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनके ऊपर मैं अगले बार वीडियो बनाने वाला हूँ, लाइक 2 दिन के बाद तुम्हारे पास एक वीडियो आ जाएगा इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैथ फॉर जे एडवांस करके, एंड तुम उस वीडियो में देखना, तुम्हें पता चल जाएगा कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं जे एडवांस में, उनका बहुत ही ज्यादा महत्व है। तुम वही चैप्टर्स का रिविजन करना सबसे पहले, लाइक प्रायोरिटाइज कर देना, तुम्हारे पास टाइम बचे तो सारे रिवाइज कर लेना। अब तुम सोचोगे कि भैया ये क्या बोल रहे हो आप बोल रहे हो तुम 100% पढ़ना जरूरी नहीं है। सिंपल सी बात है कि 100% पढ़ना जरूरी नहीं होता है। अगर तुम 40-45% भी मार्क्स लेते आते हो जे एडवांस में तो तुम्हारी रैंक 3000 के अंदर बन जाएगी, एंड 3000 रैंक ही तो एक टारगेट होता है ना, एक मिनिमम टारगेट, बेयर मिनिमम टारगेट क्या होता है किसी का भी, 3000 रैंक लाना मेरे को। तुम 50% लेते हो मार्क्स, तुम्हारी 2000 रैंक बन जाएगी। अब तुम सोच रहे हो कि 42% लाना 45% इतना हार्ड होता है क्या? बेसिकली उतना हार्ड नहीं होता। अगर मैं तुम्हें दिखाना चाहूँ वो चीज, तो अगर मान लो 100% की तुम्हारी तैयारी नहीं है, 70% की तुम्हारी तैयारी है, तो तुम 100% को अटेम्प्ट नहीं करते हो पेपर को, 70% पेपर को अटेम्प्ट करते हो। एंड एक और चीज कि 100% पेपर अटेम्प्ट नहीं करना होता जे एडवांस में, मैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा तुम्हें। तो बेसिकली आज तक कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जिसने फुल में फुल मार्क्स लाया हो जे एडवांस में। तो तुम अगर 100% के पेपर में से 80% या 70% अटेम्प्ट करते हो, 70% में से तुम 60% स्कोर करते हो, तो तुम्हारी 42% बनती है टोटल पेपर में। एंड आई होप कि तुम्हें ये गणित समझ में आ गया होगा, ऑब्वियसली क्योंकि तुम जे एस्पायरेंट हो एंड मैथ्स में काफी ज्यादा बेटर हो गया, आई होप सो। फिर भी एक कोई बंदा जो तुम लोगों में से थोड़ा समझाना चाहे इस चीज को कमेंट सेक्शन में समझा देना कि बाकी लोगों को थोड़ा हेल्प हो पाए। एंड बेसिकली उसी 70% में से जो तुमने अटेम्प्ट करा उसमें 70% सही कर दोगे उसका 70%, तो 49% के आसपास तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। तो तुम्हें रिविजन भी इसी हिसाब से करनी होती है, थोड़ा स्मार्ट बनना होता है। जो अपना सेकंड पॉइंट होने वाला है इस टेस्ट स्ट्रेटजी का, वो होने वाला है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है, एंड बहुत लोगों का ये डाउट होता है कि भैया PYQ सफिशिएंट रहता है क्या जे एडवांस के लिए। तो मेरा आंसर है बिग नो, बिल्कुल ही नहीं, सफिशिएंट बिल्कुल ही नहीं होता PYQs, खास करके ऐसे एग्जाम में जिसकी पैटर्न हर साल चेंज हो रही, क्वेश्चन का लेवल हर साल चेंज हो रहा, मोल्ड ढांचा होता है ठीक, जिसमें क्वेश्चन डालते जाओ हर साल सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि NTA यूज करता है, जे एडवांस के लोग यूज नहीं करते। जो भी तुम्हारा IIT अभी एग्जाम ले रहा होगा वो IIT ये चीज नहीं यूज करने वाला है। लास्ट के अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उससे पहले अलग टाइप के क्वेश्चन आए होंगे। तो अब तुम पूछोगे PYQs नहीं करने हैं क्या? फिर से आंसर आएगा नो, PYQs करने हैं। PYQs तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। अगर तुम PYQs कर पा रहे हो लास्ट ईयर के, लास्ट ईयर के, तो तुम्हारे अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस रहेगा कि तुम जे एडवांस 2024 भी फोड़ने वाले हो। तो कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो PYQs तो तुम्हें करनी करने हैं, बट बहुत सारे जनरल क्वेश्चन जो कि मॉक टेस्ट होते हैं वेरियस चैप्टर्स के, वेरियस टॉपिक से, तो वो सारे क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। अब बात रहा कि कितने क्वेश्चन करने हैं,
कितना क्वेश्चंस करना सफिशिएंट रहेगा। तो तुम्हें 90 से 100 क्वेश्चन डेली के लगाने हैं। बहुत ज्यादा साउंड कर रहा होगा, बहुत ज्यादा ही हो गया कुछ। एंड मैं इस चीज को फोर्थ वाले पार्ट में कवर करूंगा, जब फोर्थ पॉइंट बता रहा हूँ तो उस टाइम पे इसको एक्सप्लेन करूंगा बढ़िया से। बेसिकली इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता 90 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन बनाना डेली के, एंड वो भी तीनों सब्जेक्ट मिला के, लाइक मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के तुम्हें 90 से 100 क्वेश्चन बनाना है। अब तुम बोल रहे हो भैया 90 से 100 क्वेश्चन ही क्यों बनाना है, लाइक 50 क्वेश्चन में क्यों नहीं काम चलेगा मेरा, या फिर बताना ही तो 150 बता दो 200 बता दो। तो बेसिकली कैसा होता है कि 18 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चन आते हैं पर पेपर में, पर सब्जेक्ट के। तो टोटल क्वेश्चन 108 हो जाते हैं दोनों पेपर मिला के, सुबह का पेपर और शाम का पेपर मिला के 108 क्वेश्चन हो जाते हैं। 108 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए तुम्हें 90-100 क्वेश्चन तो डेली करने ही पड़ेंगे ना, तुम्हारी आदत बनी रहे। तो ये सारा कुछ तुम अपना ध्यान रख सकते हो सेकंड पॉइंट के अंदर। अपना जो थर्ड पॉइंट है वो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मेरे को लगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बताना अभी यहाँ पे, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम में तुम्हें बहुत चीजें नहीं पता होती हैं। तुम्हें ये नहीं पता कि एनसीईआरटी का कितना ज्यादा वैल्यू है। मैं बहुत लोगों को ये देख रहा हूँ कि बहुत अजीब अजीब तरीके की बुक्स के पीछे भाग रहे हैं, ठीक, ब्लैक बुक, डार्क बुक, येलो बुक, पता नहीं कौन कौन से बुक, बट एनसीईआरटी के पीछे कोई नहीं जा रहा। मैथ्स के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, मैं जेई के लिए ये बोलूंगा। इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के आते हुए देखे हैं, ठीक, मेटलर्जी वगैरह से तो मतलब बिल्कुल पूछो ही नहीं, अंधाधुंध क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से डायरेक्टली उठ के। ऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर से बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स वगैरह वाला पार्ट तुम कवर कर सकते हो एनसीईआरटी से। इनऑर्गेनिक तो पूरा का पूरा ही एनसीईआरटी से तुम कवर करो। एनसीईआरटी को पढ़ते हुए एक चीज का ध्यान रखना कि तुम वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ना, ठीक, उसको थोड़ा एनालिटिकल होकर पढ़ना, पढ़ना तो है वर्ड बाय वर्ड, बट थोड़ा सोच समझ के पढ़ना कि हाँ चलो इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस पैरा से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस टाइप से पढ़ना। फिजिकल केमिस्ट्री का उतना कोई महत्व नहीं है एनसीईआरटी से पढ़ने का, तो तुम फिजिकल केमिस्ट्री नॉर्मली तैयारी कर सकते हो। जो अपना फोर्थ पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है टाइम टेबल। बहुत लोग अभी भी ऐसे होंगे जो कि रात में पढ़ते हैं, सुबह सोते हैं, दिन में सोते हैं, उनका कोई मतलब नहीं क्या चल रहा, लाइक वो मेरे को तो लगता है कि ऐसे लोग सिंसियर ही नहीं है अपने स्टडी को लेकर। मेरे को समझ नहीं आता तुम दिन में क्यों सो रहे हो, तुम 2 साल से दिन में सोते जा रहे हो, फिर अचानक से एग्जाम आएगा, तुम उस दिन भी सोते रहोगे, लाइक तुम्हारा माइंड तो रेस्टलेस फील करेगा ना, खुद को सोचेगा यार 2 साल से तो मैं इस टाइम पे सोता आ रहा था, आज मेरे से काम करा रही है, तो ना कंसंट्रेशन बनेगी तुम्हारी, ना फोकस बन पाएगा, कुछ नहीं बनेगा। तो तुम थोड़ा इस चीज को ले सकते हो हार्शली, बट यही ट्रूथ है। बहुत सारे कोचिंग के बच्चे जो कि एलियन में पढ़ते हैं, और मैं खुद एलियन में पढ़ा था, मेरे को पहले दिन से ये चीज दिमाग में डाला गया था कि रात में कभी नहीं जगना, दिन में पढ़ो जब एग्जाम्स हो रहे होते हैं, खास करके जो 9 से 12 का स्लॉट होता है, 2:30 से 5:30 का स्लॉट होता है, उसमें तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। रात में तुम सो एंड 7-8 घंटे का नींद प्रॉपर लो। बहुत लोग ना 5 घंटे सोते हैं, लाइक 4 घंटे सोते हैं, सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैं पढ़ लूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर तुम्हें माइंड को रेस्ट नहीं मिलेगा तो माइंड तुम्हारा रिकवर ही नहीं कर पाएगा, चीजों को दिमाग में रख ही नहीं पाएगा, बैकअप ही उसकी बढ़िया नहीं रहेगी। अब ऐसे दिमाग है क्या जिसमें मैं कुछ डाल रहा हूँ बट वो बाउंस बैक हो जा रहा, जा ही नहीं रहा कुछ, तो वो मतलब नहीं बनता ना। तो तुम प्लीज 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 लाइक इसको एक रिक्वेस्ट की तरह भी ले सकते हो, अगर तुम्हें बढ़िया करना है अपने एग्जाम में तो तुम 9 से 12 का स्लॉट एंड 2:30 से 5:30 का स्लॉट तो बिल्कुल फिक्स कर लो पढ़ने के लिए, उसमें कुछ भी नहीं पढ़ना ही है। 2:30 से 5:30 अगर ज्यादा हो रहा तो 3 से 6 कर सकते हो। एंड कितने घंटे पढ़ना है, इसका आंसर ये है कि 10 घंटे तुम्हें मिनिमम पढ़ना है, कुछ भी नहीं तो 10 घंटे तो पढ़ना ही है। एंड एक बहुत बड़े यूट्यूबर है जो कि 2 साल पहले कुछ उन्होंने ऐसा कुछ बोला था, सुन लो। निकाल सकते हो 3 घंटे का स्लॉट मॉक टेस्ट के लिए, 1 घंटे उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करने के लिए, एंड बाकी के 6 घंटे उसको डिवाइड कर लो मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बीच में, ठीक है। तो बेसिकली 2 साल पहले मैंने ये ऐसा बोला था, एंड बहुत ज्यादा ही ये परफेक्ट चीज है कि 3 घंटे का एक मॉक लगाओ, 1 घंटे उससे एनालाइज करो, एंड बाकी के 6 घंटे तुम डिस्ट्रीब्यूट करके चैप्टर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ाई करो, ठीक है। बहुत परफेक्ट लाइक एक स्ट्रेटेजी बनाई थी मैंने, लाइक मैं खुद के लिए भी एंड तुम्हारे लिए भी बता रहा हूँ। ये एक पेपर जब तुम कर लेते हो तो अपना जो सेकंड पॉइंट में मैंने चीज बोला था कि बाद में एक्सप्लेन करूंगा, एक पेपर करते ही मॉक का तुम 54-50 क्वेश्चंस के आसपास तुम लगा ले रहे हो, ठीक। तो 50 क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे ही हो गए, मैंने बोला था 90-100 क्वेश्चंस करने, तो बाकी तुम्हारे 40 क्वेश्चन तुम इजीली कर पाओगे, ठीक। एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चन में कितना ही टाइम लगता है यार, वो शॉर्ट होते जाता है। तो कितने घंटे पढ़ना है ये बता दिया, कैसे पढ़ना है वो बता दिया। तुम पेपर अब सुबह लगा लो, शाम में लगा लो, कभी भी लगा लो, एनालाइज करना उसे भूलना नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एनालिसिस, क्योंकि एनालिसिस में ही तुम्हें वो पता चलता है कि जो क्वेश्चन तुमने करे नहीं है वो कैसे होगा, तुम कुछ नया सीखते हो एनालिसिस में ही। तो ये सारे पॉइंट्स मेरे को कवर करने थे इस वीडियो में, जो कि मैंने करने का ट्राई करा, जितना से ज्यादा हो सके मैंने इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई किया अपने एक्सपीरियंस को लेके, एंड मेरे कोचिंग में क्या बताया गया था मेरे को, एंड वो मैं तुम्हें बताने का ट्राई किया। तुम्हें अगर ये लगता है कि कोचिंग वाले लड़कों को ये सब चीज नहीं आता, वो फॉलो नहीं करते होंगे, बट ये बहुत
छोटी चीजें हैं जो कि वो फॉलो करते हैं, इसलिए वो उतना आगे जा पाते हैं। बाय द वे अभी मैं बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ मैथ फॉर जे एडवांस, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबके ऊपर, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड इस वीडियो में मैंने काफी ज्यादा एफर्ट डाला है, बेसिकली मैं सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक टाइम रिकॉर्ड किया तो ब्राइटनेस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो गया था तो मेरे को उसको डिस्कार्ड करना पड़ा, तो इसे प्लीज लाइक करना। एंड इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ मैथ्स के साथ।